नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर से आप सभी का पूरे राजपूत ट्यूटोरियल परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम हर शनिवार मिलेंगे इसी समय इसी जगह पे, लेके मिलेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करने। दोस्तों, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को इतने शानदार तरीके से कवर करेंगे कि जो मुद्दे हैं, जो समसामयिकी हैं, उसके साथ साथ उसके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की 19 से लेकर 25 तारीख जून की सुर्खियाँ। वापस नहीं होगा अग्निपथ योजना, नेपाल से निकली श्री राम यात्रा की ट्रेन, 1 जुलाई से बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, निपुण योजना से कुशल निर्माण रोजगार होंगे बढ़ेंगे, द्रौपदी और यशवंत सिंह में होगी कड़ी टक्कर, पूरे विश्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, दिल्ली मेरठ के बीच दूरी केवल ही केवल 55 मिनट में होगी तय, लिसा क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जापान पहली बार नेटो शिखर सम्मेलन में लेगा हिस्सा, गौतम अडानी पर आरएन भास्कर की जीवनी अक्टूबर में प्रदर्शित होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज का जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, हमेशा जो जीत और हार होती है ना, वो केवल ही केवल आप पे निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो हार है, लेकिन अगर आप ठान लो तो आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए दोस्तों, दृढ़ संकल्प ले लीजिए और खूंटा गाड़ के बैठ जाइए कि जब तक पोस्ट मिलेगा नहीं तब तक रण हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है कि CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 10% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अग्निवीर क्या होता है, अग्निवीरों को समझने के लिए समझते हैं अपन कि आर्म फोर्सेस क्या होती है। देखिए दोस्तों, आर्म फोर्सेस अगर बोलेगा आर्म फोर्सेस में कौन कौन शामिल होता है, तो आर्म फोर्सेस में शामिल होते हैं आर्मी, नेवी और होती है हमारी एयरफोर्स इंक्लूड होती है। ठीक है, एयरफोर्स इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर बोलेगा कि इसमें रिक्रूटमेंट कैसा होता है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो मेनली दो टाइप से होता है। एक होता है परमानेंट रिक्रूटमेंट, और क्या होता है, तो और दूसरा होता है टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, अगर जो परमानेंट जो रिक्रूटमेंट होता है वो कैसा होता है बोलेगा, तो इसमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद उनको उनके काम के लिए कमीशन किया जाता है, और रेगुलर उनका जो भी सर्विस है वो पूरे टेन्योर के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है बोलेगा, तो टेरिटोरियल आर्मी जो होती है वो होता है कि उसमें रिक्रूटमेंट तो होता है लेकिन उसमें ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है बोलेगा, तो उसमें सर्विस, उनको सर्विस में सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इसको क्यों रखा गया है बोलेगा, तो इसको इसलिए रखा गया है कि एक तो अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ जाए उसके लिए हमारे पास कोई रिजर्व फोर्स रहे जो कि हमारे जनता के ही बीच में रहे, इसके लिए बनाया गया है ये टेरिटोरियल आर्मी। तो बोलेगा कैसे लोग हैं इसमें, तो कोई कौन जा सकता है, तो इसमें कोई भी आम जनता जा सकती है। कोई सेलिब्रिटी है क्या बोलेगा, तो इसमें कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं, इसमें कपिल देव जैसे नामी सेलिब्रिटी शामिल हैं, और कौन है, तो इसमें सचिन पायलट जी भी शामिल हैं। ऐसे कई दिग्गज लोग टेरिटोरियल आर्मी को कई दफे ज्वाइन किए हैं। ठीक है, एक बात और जानिए कि जो ये परमानेंट कमीशन होता है और जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसके एक बीच का कंडीशन होता है, तो वो क्या कंडीशन होता है, तो वो होता है टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच की कंडीशन है समझ लो। इसका मतलब इसमें रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, इसमें सर्विस भी होती है, लेकिन सर्विस किसके लिए होती है, सर्विस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम बाद वो सर्व करके बहुत जल्दी ही उनको सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी
इसी जो स्कीम है, इसी जो कंडीशंस हैं, उसी को देखते हुए जो हमारी सरकार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो क्या लेके आई है, तो वो लेके आई है अग्निपथ योजना। ठीक है, ये अग्निपथ योजना क्या बोलती है कि हम टूर ऑफ ड्यूटी के लिए 4 साल के लिए लोगों को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, 4 साल के लिए कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, जो भी इसमें आना चाहते हैं, जो यंग फोर्स हैं, वैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो देखो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या पड़ी कि जो आर्मी होती है वो जितनी यंग होती है उतनी ही ज्यादा उसमें धारधारता होती है, उतनी ही ज्यादा उसमें जोश और पावर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको क्यों लाया गया है, टू डिक्रीज द एवरेज एज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इससे क्या होगा, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो हमेशा यंग बने रहेगी। ठीक है, तो और क्यों लाया गया बोलेगा तो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है देश में वो बहुत ही खस्ता हालत में है, तो इसलिए भी लाया गया है ताकि किसको इंक्रीज कर सके, एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज कर सके। और क्यों लाया गया है, तो जो आप जैसे जवान खून हैं उस जवान खून को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए, एक उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, आर्म फोर्स का एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए भी ये लाया गया है। तो जवानों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए लाया गया है। तो अगर बोलोगे कि कैसे लोग इसमें जा सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो दोस्तों मिनिस्ट्री बोलती है इसकी एलिजिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति अगर 7.5 साल से अगर 23 साल के बीच का है तो वो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बोलोगे कि अगर इतने साल में अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो रिक्रूटमेंट कितने लोगों का होगा, तो मिनिस्ट्री बोलती है हर साल हम लगभग 45,000 से 50,000 के आसपास के लोगों को 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो अगर बोलोगे कि हमको 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे तो सैलरी क्या देंगे, तो मिनिस्ट्री बोलती है हम सैलरी देंगे 4 साल के लिए जब रिक्रूट करेंगे हम तो चारों साल अलग अलग सैलरी देंगे। तो बोलोगे कि क्या सैलरी होगी, तो सरकार बोलती है पहले साल हम देंगे 30,000 रुपये, दूसरे साल देंगे 33,000 रुपये, तीसरे साल देंगे 36,500 रुपये और चौथे साल देंगे 40,000 रुपये। लेकिन सरकार ये बोलती है कि ये जो सैलरी है, ये जो आपकी जो बेसिक सैलरी है, इस बेसिक सैलरी का हम आपके हाथ में केवल ही केवल 70% देंगे। तो बाकी 30% कहाँ जा रहा है बोलोगे, तो जो बाकी 30% होता है वो कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है सेवानिधि फंड में। ठीक है, सेवानिधि फंड में जा रहा है। तो जो 4 साल में 30% कितना हो जाएगा बोलोगे, तो ये लगभग 5,02,000 रुपए के आसपास सेवानिधि का फंड हो जाएगा। तो सरकार बोलती है इतने ही पैसे हम भी आपको सेवानिधि फंड में देंगे। तो इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा कितना हो जाएगा, 10 लाख के लगभग। तो 10 लाख प्लस जो इंटरेस्ट होगा 4 साल का, इससे हम जब आप 4 साल बाद निकलेंगे तो आपको वन टाइम पेमेंट देंगे। तो कितना होगा वन टाइम पेमेंट, 11.7871 लाख रुपए वन टाइम आपको पेमेंट देंगे। ठीक है, इसके अलावा और सरकार बोलती है कि आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सरकार बोलती है अगर जो अग्निवीर अगर शहीद हो जाते हैं, जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं उन शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि ये सब चीज़ें अगर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है तो इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, जनता में इतना आक्रोश क्यों है, तो जनता बोलती है जो हमारे कंसर्न हैं, हमारी जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि जो ये अग्निवीर को कमीशन कर रहे हैं उसमें से केवल 25% को ही रिटेन कर रहे हैं।
और उसमें से जो 75% लोग हैं इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो ये 75% लोगों के साथ समस्या क्या है? तो जनता बोलती है कि जो 75% लोग हैं ये अपने 17 से 23 साल की जो उम्र है, जो सबसे एनर्जी वाली उम्र होती है, उससे भी बड़ी बात ये है जो ये एज होती है ये आफ्टर 12th क्लास का जो एज है वो होता है जिसमें लोग अपना प्रोफेशनल कैरियर की सीढ़ी रखते हैं। तो अगर इसी एज में अगर हम कहीं और अगर प्रोफेशन में देंगे तो जब वापस आएंगे तो हमारे पास प्रोफेशनल कैरियर में जाने का रास्ता नहीं होगा। और क्योंकि जब हम वहाँ से वापस आएंगे और हमारी नौकरी नहीं लगी और क्योंकि इसमें पेंशन भी नहीं दे रही है सरकार, तो हमारा जीवन यापन कैसा होगा? ठीक है, तो ये जो है हमारे जो जनता है उनका ये जो है कंसर्न बना रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर बोलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? तो हमारे राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो आर्मी है, क्या है? जो आर्मी है उसका चीफ कौन है? तो हमारे आर्मी के चीफ कौन है? हमारे आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे जी। कौन है? मनोज पांडे जी। ठीक है, अगर बोलता है हमारे नेवी के चीफ कौन है? तो हमारे नेवी के चीफ हैं हरि प्रसाद जी। ठीक है, अगर बोलता है हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो ये हैं वीके चौधरी जी। ठीक है, एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि पिछले साल जो ये तीनों फोर्सेस हैं, ये तीनों फोर्सेस के ऊपर एक और चीफ रखा गया था, उसको क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अगर बोलेगा फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था, तो ये कौन थे? बिपिन रावत जी। कौन थे? बिपिन रावत जी। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो एवरेज एज डिक्रीज करना चाहती हैं आर्म फोर्सेस, तो अभी का एवरेज एज क्या है आर्म फोर्सेस का? तो जो अभी 2022 है उसमें आर्म फोर्सेस का जो एवरेज है वो 32 साल के आसपास है, जिसको घटा के 2026-27 तक ये कितना लाना चाहती है मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है? 27 साल के आसपास लाना चाहती है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो अपना जो सेवानिधि है, सेवानिधि में कितना प्रतिशत जाता है सैलरी का? तो 30% सैलरी का सेवानिधि में जाता है। इस बात को रट लो दोस्तों, वन टाइम पेमेंट कितना होता है? तो 11,51,000 रुपए वन टाइम पेमेंट किया जाता है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो शहीद है उनको कितना रुपए मुआवजा दिया जाता है? तो 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, कितने प्रतिशत अग्निवीरों को रिटेन किया जाता है? तो केवल ही केवल 25% लोगों को ही रिटेन किया जाता है। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट के तहत भारत की पहली पर्यटन ट्रेन जो भारत गौरव है किन दो देशों के बीच चलाई गई है? तो देखो दोस्तों, ये रामायण सर्किट को समझने के लिए पहले ये देखिए कि एक स्कीम है, उसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, कौन लाया है बोलेगा तो ये लाई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, क्यों लाई है बोलेगा तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोलती है कि क्यों लाई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोलती है कि जो हमारा भारत है वो भारत क्या है? भारत है इंडिया इज अ डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स। तो कौन कौन सी डाइवर्सिटी है बोलेगा तो इंडिया में सभी प्रकार की डाइवर्सिटी है, उसी प्रकार यहाँ का जो टूरिज्म है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये मिनिस्ट्री क्या बोलती है, हम पर्यटन के लिए सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, उनको ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, हम थीम बेस्ड सर्किट लेके आते हैं।
ठीक है, उससे क्या होगा, जो पर्यटन है उनको उनके थीम के हिसाब से एक साथ सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर बोलेगा कौन कौन से थीम पे लाती है, तो पहले देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कितनी थीम है, तो कितने थीम पे सर्किट बना है, तो 15 थीम में। तो कौन कौन सा सर्किट बना है बोलेगा, तो देखिए दोस्तों, बना है रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट बना है, सूफी सर्किट बना है, बुद्धा सर्किट बना है, ट्राइबल सर्किट बना है, रूलर सर्किट बना है, डेजर्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालय सर्किट, ऐसे कई सारे सर्किट बने हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो ये रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट के अंदर एक ट्रेन चलाया गया है। तो वो ट्रेन क्या है, कहाँ से कहाँ चली है, इंडिया से नेपाल के बीच में चली है। अगर बोलेगा कितने दिन तक चली है, तो ये 18 दिन तक चली है। कितना प्लेसेस कवर किया है बोलेगा, तो अराउंड 12 के आसपास मेजर प्लेसेस को कवर किया है। ठीक है, अगर बोलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो कौन है, तो वो जी किशन रेड्डी जी हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये भारत गौरव ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन को समझिए कि 2020 में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या बोलता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हम स्कीम लेके आ रहे हैं। तो कौन से स्कीम लेके आ रहे हैं, तो भारत गौरव मिशन। इस मिशन के तहत क्या बोलती है मिनिस्ट्री, इस मिशन के तहत जो भी प्राइवेट प्लेयर्स लीज में अगर ट्रेन को लेना चाहते हैं, तो वो किस में ले सकते हैं, सर्किट बेस्ड ट्रेन चला सकते हैं। तो इसी योजना के तहत क्या चलाया जा रहा है, गौरव ट्रेन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो गौरव ट्रेन चलाया जा रहा है, तो पहली गौरव ट्रेन कहाँ चली है, तो पहली जो गौरव ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चली है, रामायण सर्किट के अंदर जो पहली ट्रेन है वो इंडिया से नेपाल तक चली है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। अगर बोलता है थीम बेस्ड कितने सर्किट बना रहे हैं, तो 15 सर्किट बना रहे हैं। इस बात को रट लो दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन है, तो किशन रेड्डी जी हैं। कहाँ से बिलोंग करता है बोलेगा, तो ये बिलोंग करते हैं आंध्रा प्रदेश से। कहाँ से, आंध्रा प्रदेश से। ठीक है, कितने मेजर प्लेसेस को कवर की बोलेगा, तो 12 मेजर प्लेस को कवर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है पूछेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। तो कितने तरीके से लगा दिया है, 1 जुलाई 2022 से। देखिए दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, ये होता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक, मतलब जो हम प्लास्टिक को एक बार यूज करके फेंक देते हैं। ये क्या होता है, तो ये होता है नॉन डिग्रेडेबल इन नेचर। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होने के कारण ये कभी भी अर्थ में डिग्रेड नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर ये लॉन्ग टाइम तक अगर इन्वायरमेंट में रहा, तो ये क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बोलता है माइक्रोप्लास्टिक क्यों खतरनाक है, तो देखिए दोस्तों, जो माइक्रोप्लास्टिक है, ज़्यादा टाइम तक इन्वायरमेंट में रहने से हमारे ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे ओशियन से एक्वेटिक एनिमल में हो, उसमें जाने की वजह से क्या होता है, बहुत बॉडी को हार्म करता है। इवन ये डेथ का भी रीज़न बन सकता है। तो इसीलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो क्या किए थे, 2018 के 5 जून को ये निर्णय लिए थे कि हम 2022 तक पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देंगे। ये इनका निर्णय इतना बड़ा था कि देखिए दोस्तों, इनको सिर्फ इस निर्णय की वजह से जो यूएन है वो अर्थ अवार्ड दी थी। क्या दी थी, अर्थ अवार्ड दी थी। अर्थ अवार्ड क्यों दी थी, क्योंकि इनको चैंपियंस ऑफ द चेंज माना गया था।
ठीक है, जो चैंपियंस ऑफ द चेंज अर्थ अवार्ड होता है वो यूएन का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल अवार्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को जो मोदी जी बोले थे कि 2022 तक हम बैन करेंगे, इस चीज को फॉलो करने के लिए जो क्या है हमारा प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल है, मैनेजमेंट रूल में अमेंड करके क्या किया गया था, धीरे धीरे जो प्लास्टिक है उनको बैन करना चालू कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसमें क्या क्या आता है बोलेगा तो, उसमें आता है प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ आते हैं, कैरी बैग आते हैं, जो हमारे जो फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जंक फूड्स होते हैं उसके जो पैकेजिंग होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि इसके बावजूद बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो कौन से प्लास्टिक्स हैं, तो सरकार बोलती है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं, वो जो प्लास्टिक बैग हैं उसमें अगर जो उसका थिकनेस है वो अगर 120 माइक्रोन से कम है तो सिर्फ उसी को बैन किया गया है, क्योंकि वो किस में आते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उससे कम के उसको बैन नहीं किया गया है, मतलब उससे ज़्यादा के उसको बैन नहीं किया गया है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो ये 5 जून है वो क्यों था इतना स्पेशल, तो 5 जून क्या होता है, इन्वायरमेंटल डे, ठीक है। एक बात और जान लो दोस्तों कि जो 22 तारीख होती है, और जो 22 तारीख में जो मार्च का महीना होता है, तो मार्च में क्या होता है, वाटर डे, ठीक है। अप्रैल में क्या होता है पूछेगा तो, अप्रैल में होता है अर्थ डे, ठीक है। और अब मई में क्या होता है बोलेगा तो, मई में होता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे होता है, ठीक है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि कितने तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन लग रहा है बोलेगा तो, 1 जून 2022 से लग रहा है, ठीक है। जो ये प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल है वो कब आया बोलेगा तो, रट लो इस बात को दोस्तों कि ये 2016 में आया है। अगर बोलता है कि कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, तो ये लाई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट थी उसका नाम क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि प्लास्टिक मैनेजमेंट जो रूल है वो कब आया था, तो वो 2016 से आया था। अगर जो प्लास्टिक बैग है वो किससे कम थिकनेस का बैन है बोलेगा तो, इस बात को रट लो दोस्तों, 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैन है। तो देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निपुण योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए दोस्तों, एक स्कीम था, क्या नाम है उसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ये योजना कब आई थी बोलेगा तो, 2014-15 में आई थी। कौन लाया था बोलेगा तो, ये लाई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, ठीक है। क्यों लाई थी बोलेगा तो, क्योंकि जो हमारे अर्बन पुअर हैं उनको लिवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, उनके लाइफ को बेटर करने के लिए ये मिशन लाया गया था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो क्या की है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलके क्या की है, काउंसिल के साथ मिलके एक नई योजना लाई है। उस योजना का नाम क्या है बोलेगा तो, उस योजना का नाम है निपुण योजना, ठीक है। बोलता है जो निपुण योजना है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। किसके लिए, निर्माण वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये योजना किसके लिए लाई है बोलेगा तो, ये लाई है कंस्ट्रक्शन लेबर के वर्कर्स के लिए लेके आई है। क्यों लेके आई है, ताकि जो हमारा देश है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। जो मिनिस्ट्री है वो ये बोलती है कि हम कितने लोगों को पर ईयर
पर ईयर अराउंड 1 लाख लोगों को इसमें, 1 लाख लोगों को इसमें ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसमें से अराउंड 12 से 15 हज़ार लोगों को हम एब्रॉड में जॉब करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और देखो दोस्तों कि जो 2020 है, 2020 में आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। किसको रिप्लेस करके आया था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करके आया था। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है, जो बच्चे हैं छोटे, जो प्राइमरी से प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, मतलब क्लास 3 तक के बच्चे हैं, अप टू क्लास 3 तक के बच्चों को 2026-27 तक कम से कम जो बेसिक लिटरेसी है वो कम से कम इंडिया के सारे ग्रेड 3 से बच्चों को कम से कम 2026-27 तक पूरे इंडिया के सारे बच्चों को लिटरेसी बेसिक प्रोवाइड होनी चाहिए। इसी के लिए सरकार क्या लेके आई है, एक निपुण भारत करके योजना लेके आई है। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है बोलेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आई है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो निपुण भारत योजना है वो क्या करेगी, 2026-27 तक जितने भी हमारे देश के क्लास 3 तक के बच्चे होंगे उनको कम से कम बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो निपुण योजना है, जो सिर्फ निपुण योजना है, वो कौन सी मिनिस्ट्री शुरुआत की है, तो कौन सी की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लेकिन बोलता है निपुण भारत योजना कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड की है, तो कौन की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, तो ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं बोलेगा तो ये हमारे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अगर बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है, तो ये है हमारे हरदीप पुरी जी ठीक है। नेशनल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन कब चालू हुआ था बोलेगा तो, इस बात को रट लो दोस्तों, 2014-15 में चालू हुआ था। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है ये कब बना था बोलेगा तो, देखो दोस्तों इसको 2008 में बनाया गया था। कौन बनाया था बोलेगा तो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप, ठीक है। अगर बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप का मिनिस्टर कौन है, तो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो निपुण योजना है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसको रिप्लेस कर रही है बोलेगा तो, 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है बोलेगा तो, इस बात को रट लो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैं। तो देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो सत्तारूढ़ी दल है और जो विपक्षी दल है वो क्रमशः राष्ट्रपति पद के लिए किसको उम्मीदवार घोषित की है, तो किसको घोषित की है, द्रौपदी मुर्मू जी को सत्तारूढ़ी दल, और जो यशवंत सिन्हा जी है इसको विपक्षी दल अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे खड़े किए हैं। तो देखिए दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी कौन है बोलेगा तो, द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ पैदा हुई थी, तो ये पैदा हुई थी उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। कब पैदा हुई थी बोलेगा तो, 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज में पैदा हुई थी, ठीक है। बाय प्रोफेशन ये क्या करती थी बोलेगा तो, देखिए दोस्तों ये अपने इनिशियली प्रोफेशन में शुरू में क्या थी, टीचर थी। उसके बाद क्या बनी, उसके बाद पार्षद बनी। पार्षद बनने के बाद इनको एमएलए बनने का मौका मिला। जब उन्होंने एमएलए बनी तो क्या कारनामा किया बोलेगा तो, उनको एमएलए जब थी तो 2007 में उनको सर्वश्रेष्ठ एमएलए का पुरस्कार मिला।
सर्वश्रेष्ठ एमएलए का पुरस्कार मिला। उसके बाद उनको मिनिस्टर भी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन सा पद लिया बोलेगा, तो उन्होंने 2015 से लेके 2021 तक झारखंड की गवर्नर थी। कहाँ की गवर्नर थी? झारखंड की गवर्नर थी। एक बात और जानिए दोस्तों, जो ये झारखंड की गवर्नर थी, तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो झारखंड की पहली महिला थी जो कि गवर्नर थी। एक बार और जानिए दोस्तों, जो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये उड़ीसा की ऐसी पहली महिला है जो किसी दूसरे राज्य में जाके गवर्नर इनको बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा कैंडिडेट कौन है, तो दूसरा कैंडिडेट है हमारे यशवंत सिन्हा जी, ठीक है। यशवंत सिन्हा जी कौन है बोलेगा, तो यशवंत सिन्हा जी कहाँ बॉर्न हुए थे, तो ये बिहार के पटना में ये पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे बोलेगा, तो 1937 में इनका जन्म हुआ था। ये बाय प्रोफेशन क्या थे बोलेगा, तो ये बाय प्रोफेशन IAS थे। बाद में इन्होंने रिजाइन किया और किसको ज्वाइन किया, इन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बने, तो उसके बाद इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी कमान संभाली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रहे हैं, ठीक है। किसके समय में रहे हैं, तो एक बार जनता दल के समय में रहे और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रहे हैं। फिर इन्होंने 2018 में अपने पॉलिटिकल कैरियर से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद लेकिन 2021 में इन्होंने क्या ज्वाइन किया, इन्होंने TMC ज्वाइन कर ली। उसके बाद 2022 में इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारा है, ठीक है। एक बात और देखो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस में आता है बोलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। कौन कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बोलेगा, तो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आर्टिकल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अगर बोलेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन एलिजिबल होता है वोट करने के लिए, तो देखो दोस्तों कौन कौन वोटर होता है बोलेगा, तो कौन कौन वोटर होता है, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जो वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन कौन होता है बोलेगा, तो जो MLAs होते हैं और जो MPs होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। कौन कौन से MPs एलिजिबल होते हैं बोलेगा, तो देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ होते हैं MPs, तो MPs होते हैं लोकसभा में और होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो सारे MPs एलिजिबल हैं बोलेगा, तो कौन कौन से MPs एलिजिबल नहीं है, लोकसभा में पहले जो दो एंग्लो इंडियन रहते थे, जो नॉमिनेटेड रहते थे, उन लोग वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। और कौन एलिजिबल नहीं होता बोलेगा, तो जो राज्यसभा है इसके जो 12 MP नॉमिनेटेड होते हैं, इन लोग भी एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कौन कौन से MLAs एलिजिबल हैं, तो MLAs कहाँ कहाँ होते हैं, तो MLAs होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और कहाँ होते हैं बोलेगा, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसलिए वो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो कौन एलिजिबल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA एलिजिबल होते हैं। कहाँ कहाँ के कौन कौन सी स्टेट के एलिजिबल होते हैं बोलेगा, तो देखिए दोस्तों सारे स्टेट के MLAs एलिजिबल होते हैं। और UTs में कौन कौन से एलिजिबल होते हैं बोलेगा, तो UT में होते हैं दिल्ली के MLAs एलिजिबल और होते हैं पुडुचेरी के एलिजिबल। तो अगर बोलेगा बाकी जगह UT के क्यों एलिजिबल नहीं होते, तो दोस्तों जो UT जो बाकी 6 UT हैं वो 6 UTs में असेंबली ही नहीं है, इसकी वजह से वहाँ के जो वोटर्स होते हैं वो जो MLAs होते हैं वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं, ठीक है। एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है क्या, तो हमारा संविधान क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको खड़े होने के लिए कम से कम 50 प्रपोजर चाहिए होता है और कम से कम 50 सेकेंडर चाहिए होता है, उसके बाद ही कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़े होने के लिए एलिजिबल होता है। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी।
राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अगर बोलता है ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो लगातार दो टर्म टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट रहा है, तो कौन रहा है, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ही दो टेन्योर के लिए लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर बोलता है ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जिसके इलेक्शन में जो बैलेट पेपर है उसको दो बार खोलने की जरूरत पड़ी थी, तो दो बार बैलेट पेपर खोलने की जरूरत किसमें पड़ी थी, तो वो पड़ी थी 1969 में वीवी गिरी जी जब प्रेसिडेंट थे उनके टाइम पे, ठीक है। अगर बोलता है कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो अनअपोस्ट खड़े हुए है, मतलब उनके सामने कोई विपक्ष खड़ा ही नहीं हुआ है, तो अनअपोस्ट कब खड़े हो सकते, कोई प्रेसिडेंट जीत सकता है, तो किस समय की बात है ये, 1977 इमरजेंसी के टाइम की, तो कौन खड़ा था बोलेगा, तो संजीव रेड्डी जी उस समय प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस बात को रट लो कि जो हमारा सत्तारूढ़ी दल है उसका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो कहाँ के गवर्नर हैं, तो वो हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। कहाँ के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। ये गणेशी लाल जी कहाँ के गवर्नर है बोलेगा, तो ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। कहाँ हैं, उड़ीसा के गवर्नर हैं, ठीक है, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने से पहले जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो कहाँ की गवर्नर थी बोलेगा, तो वो थी झारखंड की गवर्नर। अगर बोलता है झारखंड का करंट गवर्नर कौन है, तो करंट गवर्नर कौन है, रमेश बैस जी यहाँ के करंट के गवर्नर हैं। अगर बोलता है झारखंड के सीएम कौन है, तो देखिए दोस्तों झारखंड का सीएम कौन है, हेमंत सोरेन जी यहाँ के करंट के झारखंड के सीएम है। अगर बोलता है हेमंत सोरेन जी कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस बात को रट लीजिए दोस्तों कि अगर बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है, तो अभी किसके पास है, निर्मला सीतारमन जी, किसके पास, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अगर बोलता है टीएमसी जो है वो कहाँ की सत्तारूढ़ी पार्टी है, तो ये कहाँ की है, ये वेस्ट बंगाल की सत्तारूढ़ी पार्टी है। इसका सीएम कौन है बोलता है, तो इसका सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी इसकी सीएम है, ममता बनर्जी जी इसकी सीएम है, ठीक है। एक बात और देख लो दोस्तों, अगर बोलता है जो बिहार है उसका सीएम कौन है, तो बिहार का सीएम कौन है, नीतीश कुमार जी। अगर बोलता है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड से सीएम नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। एक बात और देख लो दोस्तों, जो पौंडीचेरी हैं उसके अभी न्यूली इलेक्टेड जो सीएम है वो कौन है बोलेगा, तो रंगा स्वामी जी इसके नए सीएम है। एक बात और देख लो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो दिल्ली है उसका गवर्नर कौन है, तो उसका गवर्नर कौन है बोलेगा, तो उसका गवर्नर कोई नहीं है, तो कौन है बोलेगा, तो जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके गवर्नर नहीं होते हैं, उसके क्या होते हैं, ल्यूटिनेंट गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं, ल्यूटिनेंट गवर्नर होते हैं। तो बोलेगा दिल्ली का अभी रिसेंटली का ल्यूटिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, विनय सक्सेना जी को, ठीक है। अगर बोलता है दिल्ली का सीएम कौन है, तो दिल्ली का सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम है। इस बात को रट लो दोस्तों, अगर बोलता है कितने प्रपोजर और सेकेंडर की जरूरत है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर की जरूरत है। इस बात को रट लो दोस्तों, कौन सा प्रेसिडेंट था जो अनअपोस्ट जीता था, तो कौन सा प्रेसिडेंट था, तो वो था संजीव रेड्डी जी। कब जीते थे बोलेगा, तो 1977 में जीते थे। तो देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। उससे पहले देखो दोस्तों कि
कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, 21 जून को क्या मनाया जाता है बोलेगा तो इंटरनेशनल योगा डे। क्या? इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाया जाता है बोलेगा तो इसको मनाया जाता है 2015 से। अगर बोलेगा 2022 का थीम क्या है तो 2022 का थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर बोलता है कि 21 जून को ही क्यों योगा मनाया जाता है तो देखिए दोस्तों, जो 21 जून होता है वो हमारे अर्थ का लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिक। क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिक, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लंबा दिन होता है कहाँ का, जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर का। इसीलिए जो ये जो 21 जून होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। इसीलिए वन ऑफ द रीज़न है कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। एक बात और देखिए दोस्तों कि ये समर सोलेस्टिक क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा अर्थ होता है, जो हमारा अर्थ होता है इसका जो ये इक्वेटर है, अगर बोलेगा इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है तो कहाँ होता है, यहाँ होता है। अगर बोलेगा कि ये क्या होता है तो ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। तो अगर बोलेगा कि हमारा जो सन है कहाँ से कहाँ मूव करता है तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मूव करता है। तो अगर बोलेगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक। अगर बोलता है जब जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर रहता है तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, विंटर सोलेस्टिक, ठीक है। अगर बोलेगा समर सोलेस्टिक कब होता है तो कब होता है, 21 जून को होता है। अगर बोलेगा विंटर सोलेस्टिक कब होता है तो विंटर सोलेस्टिक कब होता है, 21 दिसंबर को होता है। अगर बोलेगा कि जो जब जो सन होता है वो अगर इक्वेटर के ऊपर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। अगर बोलेगा कि कौन कौन से दिन पे इक्विनॉक्स होता है तो देखो दोस्तों, साल में दो बार होता है, एक बार 21 मार्च को और होता है 23 सितंबर को, ठीक है, ठीक है। एक बात और जान लो दोस्तों कि जो इस बार का योगा डे था उसका एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का क्या नाम था, तो उसका प्रोग्राम का नाम था गार्जियन रिंग प्रोग्राम। क्या था, गार्जियन रिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था, तो इस प्रोग्राम के तहत बोला गया था कि वन सन वन सन वन अर्थ। इसका मतलब क्या था कि इस योगा डे में जो सन है उसको जो हमारे वर्ल्ड का सबसे ईस्ट वाला पोर्शन है और जो सबसे वेस्ट वाला पोर्शन है उसमें एक सीक्वेंस में जो 80 कंट्रीज हैं वो सन का वेलकमिंग करेंगे। तो ईस्ट में कहाँ से, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से जब सबसे पहले सन का उदय होता है और जब सबसे लास्ट उदय होता है यूएसए में, तब तक जो 80 कंट्रीज हैं वो सूर्य नमस्कार करके जो सन है, नमस्कार करके जो सन है उसका वेलकमिंग करेंगे। तो अगर बोलता है सूर्य नमस्कार में अगर कितने स्टेप होते हैं तो कितने स्टेप होते हैं, तो सूर्य नमस्कार में होते हैं 12 स्टेप, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कि 23 जून क्या होता है, 23 जून क्या होता है बोलेगा तो 23 जून होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अगर बोलता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो बनी थी 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था बोलेगा तो हेडक्वार्टर बनाया गया था स्विट्जरलैंड में। कहाँ हेडक्वार्टर बनाया गया था, स्विट्जरलैंड में। अगर बोलेगा इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब से मनाया जाता है, तो देखो दोस्तों 1948 से इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। अगर बोलेगा इस साल का थीम क्या है, तो देखो दोस्तों 2022 का थीम क्या है बोलेगा तो थीम क्या है, टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड,
ठीक है। देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो ओलंपिक है, ओलंपिक में जो समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो देखो दोस्तों, जो 2020 में समर ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था, क्योंकि उस समय कोविड आ गया था, तो कब हुआ ये, तो जो समर ओलंपिक 2020 है वो 2021 में टोक्यो में हुआ। बोलेगा नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा, तो नेक्स्ट ओलंपिक 2024 में होगा। कहाँ होगा बोलता है, तो पेरिस में होगा, ठीक है। उसके बाद कब होगा बोलता है, तो 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस में होगा, कहाँ है बोलेगा, तो लॉस एंजलिस यूएसए में है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, तो देखिए दोस्तों, 2022 में ही जो विंटर ओलंपिक है कहाँ हुआ, वो हुआ बीजिंग में, ठीक है। कहाँ हुआ, बीजिंग में हुआ, ठीक है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो 21 जून है वो क्या है, तो 21 जून जो है वो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है। और जो 23 जून जो है वो क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है, ठीक है। अगर पूछता है इस साल का जो 2022 है उसका योगा डे का थीम क्या है, तो रट लो दोस्तों, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम है, ठीक है। अगर बोलता है समर सोलस्टिक कब है, तो रट लो दोस्तों, 21 जून को समर सोलस्टिक होता है। अगर बोलेगा इक्विनॉक्स कब होता है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, 21 मई को, मार्च को, और 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स, ठीक है। अगर बोलता है इस बार के प्रोग्राम का थीम क्या था, तो रट लो दोस्तों, गार्जियन रिंग प्रोग्राम इस साल के प्रोग्राम का नाम था। इस बात को रट लो दोस्तों कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं, तो टोटल 12 स्टेप सूर्य नमस्कार में होते हैं, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, बोलेगा तो स्विट्जरलैंड में है। रट लो दोस्तों, 2022 में इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम क्या था, तो टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड इसका थीम था। इस बात को रट लो दोस्तों, जो समर ओलंपिक है वो 2024 में कहाँ होने वाला है, तो फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली रैपिड ट्रेन कहां से कहां के बीच में चलाई जाएगी। तो दोस्तों, ये ट्रेन चालू करने से पहले एक बात समझिए कि एक होता है नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होता है बोलेगा तो, देखिए दोस्तों, ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब ये क्या है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। उसके पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं बोलेगा तो, उसके इस साइड कौन है, उत्तर प्रदेश है, ऊपर कौन है बोलेगा तो हरियाणा है, और नीचे कौन है बोलेगा तो राजस्थान का बॉर्डर दिल्ली से लगता है, ठीक है। अब बोलता है कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया क्या है, तो देखो दोस्तों, जो ये दिल्ली का जो बॉर्डर है उनके पड़ोसी राज्यों से, ये भले नाम का स्टेट बॉर्डर है, लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जनता जो है, वहाँ का जो कल्चर है, वो ऑलमोस्ट अराउंड इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ है, जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, उस पड़ोसी राज्य में भी जो दिल्ली का बहुत गहरा संबंध देखा जाता है, उसकी वजह से जो नीति, जो प्लानिंग कमीशन थी, जो कि 2005 में जो प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन क्या बोलती है कि यहाँ की जनता को सुविधा देने के लिए, वहाँ के कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, वहाँ के ट्रांसपोर्ट को बेटर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, हम क्या बनाएंगे, रीजनल ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है, रीजनल ट्रांजिट कॉरिडोर। इसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम टोटल आठ कॉरिडोर बनाएंगे इन जगहों में पास होने के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सके, इजी हो सके। तो कब तक बनाएंगे बोले तो, इसको हम 2032 तक यहाँ का जो पूरा नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत तगड़ा कर देंगे। तो उसी में जो पहला स्टेप है वो क्या है, इसी में जो पहला स्टेप है वो, जो फर्स्ट रीजनल
रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो कॉरिडोर है उसका जो पहला ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चलाया गया है, तो वो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया जाएगा। कब चलाया जाएगा बोलेगा तो अगले साल 2023 में चलाया जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की पहली रैपिड ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलने वाली है, तो किसके बीच में चलने वाली है, तो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलने वाली है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो प्लानिंग कमीशन था वो प्लानिंग कमीशन अब क्या हो गया है, प्लानिंग कमीशन हो गया है अब नीति आयोग। क्या हो गया है, नीति आयोग। अगर बोलता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कब बना था 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। अगर बोलेगा इसका चेयरमैन कौन है, तो देखो दोस्तों इसका चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। अगर बोलता है इसका सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है इसके नए सीईओ कौन अपॉइंट होने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों 30 जून के बाद जो नए सीईओ अपॉइंट होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं, तो परमेश्वरन जी। कौन, परमेश्वरन अय्यर जी। ठीक है, कौन अपॉइंट होने वाले हैं, परमेश्वरन अय्यर जी। ठीक है, तो जो पहला ट्रांजिट कॉरिडोर चला वो कहां से कहां चला बोलेगा तो दिल्ली से लेके मेरठ के बीच में चला। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों कि अगर बोलता है जो बुलेट ट्रेन है वो कहां से कहां के बीच में चलेगा, वो तो कहां से कहां चलेगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। एक बात और देखिए दोस्तों, जो वंदे भारत ट्रेन है इसको और क्या बोलते हैं पूछेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रेन 18। तो पहला ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ चला था बोलेगा तो जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है कहाँ से कहाँ चला था, तो पहला चला था दिल्ली से लेके वाराणसी तक चला था। दूसरा कहाँ से कहाँ तक चला था बोलेगा तो दिल्ली से लेके ही कटरा तक का जो पहला दूसरा वंदे भारत ट्रेन है उसको चलाया गया था। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर कहां से कहां चलाया गया है, तो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया गया है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन है पहला अध्यक्ष, लीसा स्टेंटलेकर जी। ठीक है, कहां पैदा हुई थी बोलेगा तो ये पैदा हुई थी इंडिया में। ठीक है, कहाँ की क्रिकेटर थी तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, कौन है ये, तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस क्रिकेटर है जो कि बेहतरीन बल्लेबाज भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगर पूछता है जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबेरा इसका कैपिटल है। ठीक है, अगर बोलता है कि रुचिता कंबोज जी कौन है, तो देखिए दोस्तों जो रुचिता कंबोज जी हैं उनको यूएन में परमानेंट मेंबर इंडिया की तरफ से बनाया गया है। ठीक है, अगर पूछता है इसके पहले वो कहाँ अपनी सेवाएं दे रही थी, तो कहाँ दे रही थी, भूटान में अपनी सेवाएं दे रही थी। ठीक है, अगर बोलता है कि जो यूएन है, यूएन की कितनी मेजर ऑर्गन्स हैं, तो कितने मेजर ऑर्गन्स हैं, 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। अगर पूछता है कि जो यूएन है उसमें कितने जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, तो देखिए दोस्तों यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, अगर बोलता है कि ऐसे कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन के, तो देखिए दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज में है इंग्लिश, और क्या है बोलेगा तो और है अरेबिक, और है चाइनीज स्पेनिश फ्रेंच और रशियन। ठीक है, अब बोलता है आगे
कि जो ये हमारी रंजना प्रकाश देसाई जी हैं वो कौन है। तो देखिए दोस्तों, जो रंजना प्रकाश देसाई जी हैं उनको क्या अपॉइंट किया गया है, उसको चेयरमैन बनाया गया है। किसका बनाया गया है बोलेगा तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बना बोलेगा तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 को। ठीक है, अगर बोलेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो देखो दोस्तों इसको अपॉइंट करने की जो कमिटी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, तीन। कौन कौन होता है बोलेगा तो एक होते हैं लोकसभा के स्पीकर, और कौन होता है तो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, और कौन होता है बोलेगा तो एक मेंबर कहाँ के होते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ही होते हैं। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ये है हमारे ओम बिरला जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं बोलेगा तो कोटा राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। अगर बोलता है कि जो हमारे राज्यसभा चेयरमैन है वो कौन है, तो वो कौन है, वेंकैया नायडू जी, जो कि और भी क्या है, ये और है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस बात को रट लो दोस्तों, ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कौन से एक्ट के थ्रू बना है, तो 1978 एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है, तो ये है रुचिरा कंबोजो जी। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, जो ये रंजना प्रकाश देसाई जी हैं वो क्या हैं, तो जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी जो है नई चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, किस देश में पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो कौन सी देश भाग लिया बोलेगा तो जापान ने पहली बार नाटो के सम्मेलन में भाग लिया, और कौन पहली बार भाग लिया बोलेगा तो साउथ कोरिया ने भी पहली बार नाटो के सम्मेलन में भाग लिया। अगर बोलेगा कि जो ये हमारा जापान है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इसके प्राइम मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फुमियो कसीदे। ठीक है, अगर बोलता है जो ये नाटो है, नाटो को कब एस्टेब्लिश किया गया, तो नाटो को एस्टेब्लिश किया गया 1948 में। अगर बोलता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम में। कहाँ है इसका, बेल्जियम में। अगर बोलता है 2022 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ बोलेगा तो स्पेन के मैड्रिड में। कहाँ, स्पेन के मैड्रिड में। अगर बोलता है कि नेटो में मेंबर्स कितने हैं, तो देखो दोस्तों नेटो में कितने मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर यूरोप से हैं बोलेगा तो 30 में से 28 मेंबर यूरोप से हैं, और दो मेंबर्स कहां से है बोलेगा तो दो मेंबर्स हैं नॉर्थ अमेरिका से। कहां से, दो मेंबर्स हैं नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, नाटो को क्यों बनाया गया था बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उसके बाद जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो दो हिस्सों में बढ़ गई। क्या क्या हिस्सों में बढ़ गई बोलेगा तो एक थे यूएस के अलाइज और दूसरे थे यूएसएसआर के अलाइज। उसके बाद क्या चालू हुआ बोलेगा तो उसके बाद चालू हुआ कोल्ड वॉर। तो जो यूएस के अलाइज थे, वो जो यूरोप के जो कंट्रीज थे, उन लोगों ने क्या किया, एक इंटर गवर्नमेंटल अलाइंस किया। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलाइंस किया, ताकि अगर कोई भी उन पे अटैक करे तो ये कंबाइंड फोर्स की तरह रिएक्ट करें। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, जो ये यूएई है, यूएई क्या की है अभी रिसेंटली, यूएई जो है इन्फिनिटी ब्रिज को चालू की है। क्या की है, इन्फिनिटी ब्रिज को चालू की है। एक इस बात को और देखो दोस्तों, जो ये सोमालिया है, सोमालिया में क्या हुआ है, रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, उसका नाम क्या है बोलेगा तो उनका जो सोमालिया है उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बोलेगा तो उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है हमजा बारवे। क्या है, हमजा बारवे।
ठीक है, अगर बोलता है जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो देखो दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। लेकिन एक बात और जानो दोस्तों कि जो ये जकार्ता कैपिटल है ये बहुत जल्दी डूबने वाली है। क्यों डूबने वाली है बोलेगा तो, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे अर्थ में उसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल एरा था, जो इंडस्ट्रियल एरा था उस समय से हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्लेशियर जो हो रहे हैं मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो पानी है वो कहाँ आ रहा है, ओशियन में आ रहा है। उसकी वजह से जो ओशियन का लेवल है वो क्या हो रहा है, ओशियन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। उससे जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनका जो जमीन है धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। उसी कतार में जो इंडोनेशिया है उसका जो पुराना कैपिटल था वो क्या था, जकार्ता था, वो धीरे धीरे डूबने वाला है। तो कब तक डूबने वाला है, तो 2050 तक संभवतः वो डूब जाएगा। इसीलिए जो इंडोनेशिया है वो क्या कर रही है, अपनी न्यू कैपिटल बना रही है। तो कौन, न्यू कैपिटल का नाम क्या है बोलेगा तो, न्यू कैपिटल का नाम क्या है, नुसंतरा। क्या है? नुसंतरा। ठीक है, एक बात और जानो दोस्तों कि जो इंडोनेशिया के ही पास कंबोडिया है, जो इंडोनेशिया के ही पास कंबोडिया है, कंबोडिया में एक फ्रेश वाटर फिश मिला है। क्या मिला है? फ्रेश वाटर फिश मिला है। उस फिश का नाम क्या है बोलेगा तो, उस फिश का नाम है स्टिंगरे। क्या है? स्टिंगरे। ठीक है, ये क्या है तो, अब तक की वर्ल्ड की सबसे सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, कितने किलो की है बोलेगा तो, ये लगभग 300 केजी की है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो जापान है, जापान का अगर पूछता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो क्या नाम है उनका, फुमियो कसीदे। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो नेटो है वो कब बना था बोलेगा तो, 1948 को। इस बात को रट लो दोस्तों कि हेडक्वार्टर कहाँ है बोलेगा तो, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो सोमालिया है उसके भी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है तो, हमजा बारवे को बनाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो इंडोनेशिया है उसका नया कैपिटल का नाम क्या है, तो इंडोनेशिया के नया कैपिटल का नाम क्या है, नुसंतरा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गौतम अडानी जी द मैन हु चेंज द इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो आर एन भास्कर जी, जो ये गौतम अडानी जी की द मैन हु चेंज नाम इंडिया नाम की बुक लिखी है। तो ये आर एन भास्कर जी कौन है, तो ये एन आर भास्कर जी जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, अगर बोलता है कि अडानी जी कौन है, तो गौतम अडानी जी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। ठीक है, चेयरमैन है। अगर बोलता है ये अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ बेस्ड है, तो ये है अहमदाबाद गुजरात में बेस्ड है। ठीक है, फोर्ब्स क्या बोलता है अडानी जी के बारे में, फोर्ब्स बोलता है जो अडानी जी हैं वो जो हैं जो एशिया है, जो अडानी जी हैं वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। क्या है? एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। और क्या बोलता है, जो अडानी जी हैं वो वर्ल्ड के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन है। क्या है? वर्ल्ड के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, एक बात और देखो, ये जो दिलीप संघवी जी हैं कौन है बोलेगा तो, जो दिलीप संघवी जी हैं वो क्या है, वो है चेयरमैन है इफ्को के। क्या के? इफ्को के। ठीक है, बोलता है अगर इफ्को का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो दोस्तों इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन, फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव। क्या? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव। अगर बोलता है कि ये कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1967 में। अगर क्यों बनाया गया था बोलेगा तो, इसको बनाया गया था जो फर्टिलाइजेशन है उसके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग को ध्यान में रख के। ठीक है, अगर बोलेगा
कि इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो इफ्को है उसको देखो दोस्तों, कब बनाया गया था, 1967 को। 1967 को ही क्या हुआ था बोलेगा तो, 1967 से 70 तक क्या चल रहा था बोलेगा तो, ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ था बोलेगा तो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। किसको? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए क्या लाया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। अगर बोलता है कि वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, अगर बोलता है कि वाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है? मिल के लिए होता है। अगर बोलता है कि राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है? पोटैटो के लिए होता है। अगर पूछता है ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन होता है। अगर बोलेगा सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए होता है। अगर बोलेगा गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, अगर बोलेगा गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो ये होता है हॉर्टिकल्चर के लिए। किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो गौतम अडानी मैन हू चेंज्ड इंडिया को कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं आरएन भास्कर जी। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो आईएफएफसी है वो कब बना था, तो वो 1967 में बनाया गया था, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है किसके लिए होता है, तो ये होता है हॉर्टिकल्चर के लिए। चलो दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपन अगले हफ्ते शनिवार को लेके नेशनल का करंट अफेयर। जय हिंद दोस्तों।